हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स, तो कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की। जैसे कि आप लोगों को अपडेट मिल चुकी होगी कि बोर्ड की तरफ से डिसीज़न लिया गया है विंटर सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आपने अभी अभी दिए थे उनकी कॉपीज़ चेक कराने का। तो बहुत जल्द कॉपी चेकिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा और उसी बेसिस पर आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिन्होंने अभी दिया है उनके डाउट्स को क्लियर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि क्या हम प्रमोट हो गए हैं, क्या हम सेकेंड सेमेस्टर में चले गए हैं, क्या हम सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो देखिए, डेफिनेटली अनडाउटेडली आपको सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देनी है। आप सभी लोग सेकेंड सेमेस्टर में जा चुके हैं। प्रमोट जो वर्ड यूज़ किया जा रहा था उससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न सिर्फ इस बात को था कि रिज़ल्ट कैसे आएगा आप लोगों का, क्या इंटरनल इवेल्यूएशन के बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे या फिर कॉपीज़ चेक होंगे और उसके बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। तो वो स्थिति क्लियर हो चुकी है, आप लोगों की कॉपीज़ चेक होनी है और उसके बेस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर बैक आ गई तो क्या होगी। देखिए, अगर आपकी कुछ बैक्स आती हैं तो आप उनको सेकेंड सेमेस्टर में अपने जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उनके साथ बैक पेपर के रूप में दे सकते हैं। आपकी 6 के 6 सब्जेक्ट्स में बैक आ गई तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ उन बैक पेपर्स को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर आपकी 6 से ज़्यादा बैक हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, क्योंकि 6 से ज़्यादा बैक होने पर ईयर बैक लग जाती है, आपको थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में एडमिशन नहीं मिल सकता है। उस केस में आपको प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में पहले अपने बैक पेपर क्लियर करने होंगे। जैसे ही आपके बैक पेपर 6 से कम होंगे तो फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जब भी एडमिशन होंगे उस समय आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन ले सकते हैं। तो 1 साल का आपका गैप हो जाएगा और ये स्थिति ना आए इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में ठीक से पढ़ाई करें और आपकी कोई बैक नहीं आएगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है और बिल्कुल सिंसियरली अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो सेम केस थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ भी है, उनके भी लगभग सभी ब्रांचेस में आई थिंक पेपर कंप्लीट हो चुके थे, तो कॉपीज़ चेक होनी है और उसके बेसिस पर ही आप लोगों का रिज़ल्ट प्रिपेयर होना है। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है, उनके 2 पेपर हुए थे या हो सकता है कुछ ब्रांचेस में ज़्यादा भी हुए हों। तो फ़िलहाल जो पेपर हुए थे उनकी कॉपीज़ तो बोर्ड को जा ही चुकी हैं तो डेफ़िनेटली वो कॉपीज़ चेक होनी चाहिए, लेकिन रिमेनिंग पेपर्स का क्या होगा इस बारे में अभी कोई भी डिसीज़न नहीं आया है। हो सकता है कि उनमें इंटरनल इवेल्युएशन के बेसिस पर आपको मार्क्स दे दिए जाएं, या फिर हो सकता है कि बोर्ड उन पेपर्स के एग्ज़ाम बाद में करवाए। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, मैं कोई भी भ्रामक जानकारी आप लोगों को नहीं देना चाहती हूँ। जैसे ही इस पर स्थिति स्पष्ट होगी, जैसे ही कोई क्लियर ऑर्डर आएगा या फिर क्लियर रूल पता चलेगा तब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल आप लोगों को 6 सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और बहुत ध्यान से अपना मन लगा के अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी है और पिछले बैक पेपर जो है उनको भी क्लियर करने पर आपका ध्यान होना चाहिए। स्पेशल बैक के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम हो गए हैं उनकी कॉपीज़ तो चेक होंगी ही, लेकिन जो नहीं हुए हैं, जैसा मुझे पर्सनली लगता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो बहुत जल्द हो सकते हैं 1-2 महीने के अंदर सेप्टेम्बर तक, उसी के साथ शायद आप लोगों के वो सारे एग्ज़ाम्स भी करवाए जाएंगे। लेकिन अभी कोई रूल नहीं आया है, कोई ऑर्डर इसके रिगार्डिंग नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो ये मान के चलिए कि उसके तुरंत बाद आपके इस सेमेस्टर के यानी कि 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरवाना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोगों की वर्चुअल लैब्स भी होनी हैं और एक बहुत ख़ास बात की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी। एक AICTE का कैलेंडर रिलीज़ होता है, AICTE होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसमें कि पॉलीटेक्निक्स भी शामिल हैं उन्हें मॉनिटर करती है। तो इसके अकॉर्डिंग पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में 1 सितंबर से जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं यानी कि जो अभी 2nd और 4th सेमेस्टर में हैं उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर कोई चेंज होता है कैलेंडर में तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, जो बहुत रेयर है।
तो इस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि आपके पास बहुत कम समय बचा है अब आपके इस सेमेस्टर के लिए, और बोर्ड की भी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करा के आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाएं, क्योंकि वैसे भी पहले ही कोरोना के कारण सेमेस्टर बहुत लेट हो चुका है। तो इस तरह से आपको तैयार रहना है एग्ज़ाम्स के लिए और अपनी पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर देनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, इसलिए अब अपना पूरा ध्यान पूरा अटेंशन दीजिए अपनी स्टडी पर, क्योंकि आप स्पेशल बैक वाले स्टूडेंट से पूछिए पिछले साल वाले स्टूडेंट्स के, अगर बैक आ गई ख़ास तौर पर मैथ्स ईडी वगैरह में बहुत स्टूडेंट्स की बैक आती है जो 6 सेमेस्टर तक क्लियर नहीं होती और उसके बाद भी वो 2-3 साल चले जाते हैं उनकी बैक क्लियर नहीं होती। यही चीज़ हो रही है स्पेशल बैक स्टूडेंट्स के साथ जो कोरोना के कारण भी अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। कई सारी वैकेंसीज आ गई हैं लेकिन वो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो इसलिए आप बिल्कुल अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन अब आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। तो ये जो अपडेट आई थी और जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी, ये मैंने आज के वीडियो में आप लोगों से बात की है। जैसे ही कोई और इम्पॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं आप लोगों से ज़रूर वो अपडेट्स भी शेयर करूँगी। कॉलेज कब खुलेगा इस पर अभी कोई डिसीज़न नहीं आया है, और हो सकता है आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू हो, लेकिन उसमें भी कुछ समय आपका वर्चुअल लैब्स में निकलना है, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, कुछ हॉलीडेज, आपका बहुत टाइम इन सारी चीज़ों में भी चला जाना है। तो आपके टीचर्स की भी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट किया जाए, और आपको खुद भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि आपकी पढ़ाई कैसे वक्त पर पूरी होगी। तो हम जल्द ही किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मिलेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मुश्किल से मेरे पास थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है, इतना आसान मेरे लिए नहीं होता ये आधा एक घंटा वीडियोज़ के लिए निकाल पाना, ये भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस ज़ीरो टू इन्फिनिटी फैमिली को बढ़ा तभी बनाया जा सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोस पहुँच जाएंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इन वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।